हैप्पी मकर संक्रांति। अब हम जा रहे हैं घूमने, सुबह सुबह धूप पड़ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थुन कीर्ति की, और मैं हूँ कीर्ति नरवाल हुडा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 14 जनवरी, आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी मकर संक्रांति। और अभी मैं नहा के हो गई हूँ, मतलब नहा ली हूँ, तैयार तो बाद में होंगी, और उससे पहले बनाते हैं हलवा। तो अभी हलवा बनाते हैं और मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ जो मैं आज डालने वाली हूँ। ये देखो, ये वेलवेट का सूट है जो मैं डालूंगी, ये दुपट्टा, ये शर्ट और ये पैंट। तो डालने के बाद, तैयार होने के बाद बताती हूँ आपको कैसा लगता है। तो हलवा बनाने के बाद रेडी हो जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे गांव में। वहाँ पे जो अंकल आंटी हैं उनको संक्रांति पे जो मनाते हैं, हमारे यहाँ हरियाणा साइड ये रिवाज है, मतलब बहुत पहले से ही चलती आ रही है कि अपने जो फैमिली में है सब, उन सब को जो है लड़की के मायके से सामान आता है, सूट या फिर जो भी कम देना हो मतलब, तो वो चीज़ देते हैं। तो उसको बोलते हैं कि भाई संक्रांति पे मनाना है, तो ये बहुत पहले से ही रिवाज चलती आ रही है, तो इसको हम भी फॉलो करेंगे। और अच्छा लगता है, ऐसे फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, सब मिलते हैं। तो गाँव में जो अंकल आंटी रहते हैं, सचिन के अंकल आंटी, मेरे आंटी अंकल आंटी, तो उनको दे के आएंगे, और मम्मी पापा को भी तो मनाना नहीं है। तो आज गांव में चलते हैं। तो मैंने हलवा बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। सूजी को पहले, सूजी का हलवा बनाऊंगी मैं, तो सूजी को पहले पका लेते हैं, फिर इसमें चीनी वगैरह डाल के अच्छा सा हलवा बनाएंगे। दिखाना तो चलेगा, देखो अब ये ब्राउन होएगा तब इसमें पानी वानी डाल के। हलवा बन गया, कितनी अच्छी दिखने में, मतलब कितना अच्छा दिखने में लग रहा है कलर। और गाय का निकाल दिया, अब खाते हैं गरम वाला। ये क्या है? दूध उबल गया है? दूध उबाल दिया, डाल दूध का, निकाल दिया। कैसा बन रहा है सचिन? अंतरात्मा शांत हो, स्वादिष्ट। मैं भी खा के बताती हूँ। डिलीशियस। तो हो गई मैं रेडी, और देखो ऐसा आया है फुल लुक। बताना आपको कैसा लगा मेरा सूट, और जूते डाली है मैंने नीचे, और आज इसके साथ मैंने झुमके डाले हैं बड़े बड़े, और आज बहुत दिनों बाद चूड़ा भी डाल लिया। और इसका दुपट्टा बहुत हैवी और अच्छा है, दुपट्टे से ही पूरा लुक आ रहा है सूट का। तो आप बताना कैसी लग रही हो मैं? इसका ओरिजिनल कलर ऐसा है, सी ग्रीन सा, पर वीडियो में तो शायद थोड़ा अलग दिख रहा होगा आपको, बट ये ऐसा कलर है। और ये हो गया भाई हमारा हीरो भी तैयार। दिखाओ जी अपना पूरा लुक, ये टुडेज लुक, टुडेज लुक ब्लैक, अच्छा लग रहा है, स्टेपेंडो फैंटास्टिक हैंडसम लग रहे हो। आज तो आपने भी कड़ा बहुत दिनों बाद डाला है ना सचिन? डालना पड़ता है कभी कभी, अच्छा लग रहा है। पर अभी हम एक अच्छी सी रील शूट करेंगे, आपको YouTube शॉर्ट्स में भी और Instagram पे भी जल्दी दिख जाएगी, तो वो भी देखना। अभी मम्मी और मैं करते हैं। कौन सा गाना है वो, गा के दिखाइयो। वो ऐसी लाइन चुनी वो वाला जो भी नया आया है सॉन्ग, वो सपना चौधरी। हाँ मम्मी, कैसे हो मम्मी? अच्छे हैं बेटा। अच्छा, कहाँ जाना है आज? आज गाँव में जाना है। अच्छा, क्या करने? मकर संक्रांति मनाने। मनाने जाओ अभी अंकल आंटी को। हाँ चलो भाई, ओके बाय बाय। रेडी टू गो सचिन, ये मैं आ जाऊंगी।
अरे तो फिर से ना कर देना है ना मैं डेरे पे पहुंचूंगा। राम राम जी, कैसे हो? आ गए अपने गांव वाले घर में और मम्मी पापा आते लग गए सफाई में। मम्मी का फेवरेट काम है ना सचिन। ठीक हो? ठीक ठाक। नमस्ते। पैर छू दिए तेरा की चमक ये जो दिया मेरा तो वो उड़ा तो उसको बोल दिया था। अच्छा। कर के दिखा देगी जब बता देगी उन्हें दिया था जब दिन जमाने का सूट से तेरे से और का कुछ मेरे से और मन के करना है। आशीर्वाद तो दे देता ही दूधा ना यो उत्ता पड़ियो सारा जोड़ा पार तारे को भगवान जिंदगी लाओ इनका। ठीक से होगी खुशी भी खुश रहा भाई। सचिन का काम था ये हैं भाई हमारे दो छोटे छोटे लड्डू गोपाल। ये हमने मना दिए संक्रांत पे। ये फोटो खिंचवाने के लिए तैयार होते हुए ये छोटा ये देखो भाई ये अंकल के घर से और वो अपना घर दिख रहा है वहाँ पे कहाँ पे वो सामने स्काई ब्लू कलर का पेंट हो रखा है वो सुखी राम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से तो पास में ही दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई गांव का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे जोड़ यहाँ पे फिर ये चौपाल है ये नीम है जिसमें और ये ऊपर बना हुआ है ये चौपाल है और इधर से सनसेट हो रहा है ये देखो तीनों चीज कैसे तो अभी 7 बजे आए हैं हम घर पे और अब फटाफट चेंज करके खाना वाना खाते हैं ठंड बहुत हो रही है। अब हो गया नेक्स्ट डे की इवनिंग और आज मतलब कल हमारे घर पे आया था ये श्री राम जन्मभूमि का इनविटेशन सबके घर में आ रहा होगा आई थिंक और इस पे ऐसे निवेदन भी लिख रखा है कि भैया 22 तारीख को मत आना
उसके बाद कभी भी आ जाओ, क्योंकि 22 तारीख को शायद ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे इसमें ये राम लिख के इसमें लिख रख, इसमें चावल डाल के सबको इन्विटेशन दे रखे हैं, ये सबके घरों में ही गए होंगे आई थिंक जब हमारे आए हुए यहाँ पर। तो अच्छी बात है वैसे राम मंदिर बन गया। आप सबके क्या विचार हैं बताना। और अभी मैं बैठी हूँ, मम्मी पापा घूमने गए हुए हैं, और तो कल का मकर संक्रांति जो था अच्छे से सेलिब्रेट हो गया हमारा। आप सबकी मकर संक्रांति कैसे गई वो भी बताना। और ये व्लॉग था यहीं तक का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा देख के हमने कैसे सेलिब्रेट किया। मेरी तो पहली मकर संक्रांति थी यहाँ पे ससुराल में शादी के बाद, फर्स्ट वो शादी के बाद, मतलब कोई भी चीज़ पहली होती है वो इम्पोर्ट, वो आपके लिए बहुत खास होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशल स्पेशल। और गांव में जाके तो अच्छा ही लगता है, मतलब इतने दिनों बाद गांव में जाओ, वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें देख के अच्छा लगता है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।